ये सामने नहीं आई। और जो ये हमारा अमन भाई था, सारे सबूत दे के गयो, सब कुछ बता के गयो। इसे देखने के बाद अगर सरकार या कोई भी कानून इस चीज़ के लिए कार्रवाई नहीं करता तो सिर्फ कानून दोषी है और कोई नहीं है, क्योंकि सबूत मांगता है, उसे सबूत मिल चुके हैं और फिर भी कार्रवाई जैसे तो हो चुकी है, वो लोग पकड़े भी गए हैं और आगे कार्रवाई जितनी भी सजा वगैरह जो भी होगी ना, जब तक नहीं होगी, जब तक हम साथ हैं और सब तक सजा नहीं होगी जब तक हम करवा के दूसरों का दिल जीतना चाहिए, दूसरे का घर उजाड़ दिया तो हमारे लिए तो बहुत शर्मिंदगी की बात है। इस वजह से हम अंकल के पास आए हैं कि अंकल सारे कलाकार भी ऐसे नहीं होते, हम आपके बेटे हैं, आपका एक बेटा गया लेकिन आपके 1000 बेटे खड़े हैं आपके साथ में। वो दर्द वो कमी तो कभी जिंदगी में पूरी नहीं कर पाएंगे, लेकिन कभी आपको दुखी भी नहीं देखेंगे ना कभी। तो ये विजय वर्मा जी है यहाँ पर, और भाई ये कुछ बताना चाहते हैं भाई, आगे समाज में जो हमारे युवा हैं तो ये आगे वे कदम ना उठाए जिससे घर को परेशानी उठानी पड़े, तो ये बताना चाहेंगे जी कुछ। राम राम जी, मैं हूँ विजय वर्मा, और जैसे ही अमन भाई के बारे में पता लगा कि ऐसे ऐसे उन्होंने कदम उठा लिया, उनकी वीडियो देखी तो रोंगटे खड़े हो गए हमारे, और क्योंकि हम कलाकार बाद में इंसान पहले हैं जी, और इमोशनल हो गए और हमें लगा कि ये गलत हुआ, तो मैंने अपने पेज पे भी डाला कि जो भी हो सकता है वो कार्रवाई करनी चाहिए, और आप सब ने साथ भी दिया और शेयर भी की वो वीडियो भी, और मेरा पेज से जो मैंने डाला था वो भी शेयर किया। उसके बाद जब जैसे ही हमें पता लगा कि ऐसे ऐसे यहाँ पे घर है, तो मैंने फ़ोन किया राजा भाई को भी, और राजा गुज्जर भाई जो हैं वो तुरंत से बोले कि हाँ जी चलना चाहिए हमें। और ये अंकल जी हैं अमन भाई के फादर हैं ये, इनसे इनकी हालत देखिए आप, इनसे मिलकर के, और हमें सिर्फ एक ही सबक जो है वो मिला है, और वो ये मिला है कि ज़िंदगी में उतार चढ़ाव चाहे कितने भी हों, चाहे कितना भी आपके साथ गलत हुआ हो, लेकिन आपको अपनी ज़िंदगी खोने का कोई अधिकार नहीं है, क्योंकि आप चले जाते हो पीछे जो आपके माता पिता हैं वो कैसे रह जाते हैं, और वो टूट जाते हैं, वो मतलब वो जिंदा ज़रूर रहते हैं लेकिन वो उनका शरीर काम नहीं करता, उनका उनकी आत्मा जो है वो मर जाती है। तो दोस्तों ऐसा कोई भी कदम ना उठाएं, और कभी ज़िंदगी में कोई आपके साथ में कोई भी ऐसा हादसा हो जाता है जिससे आपको लगता है कि अब आपको चले जाना चाहिए इस दुनिया से, उससे पहले अपने यार दोस्तों में या अपने माता पिता में शेयर जरूर करना चाहिए। मैं एक बात कहता हूँ कि माता पिता का दिल इतना बड़ा होता है, एक बार के लिए तो आपको डांट फटकार लगा सकते हैं कि ये क्यों किया नालायक तूने, आपको थप्पड़ भी मार सकते हैं, लेकिन वो एक थप्पड़ आपकी पूरी ज़िंदगी बचा देगा, और आपके आपके साथ हमेशा ना, आपके वो कहते हैं ना कि अगर आपके पीछे आपका आपके बाप का साया है ना, तो वो इंसान तो कभी हार ही नहीं सकता, और माता पिता से बढ़कर तो कुछ नहीं होता दुनिया में। तो इस टाइप का कोई भी कदम ना उठाएं। बाकी रही अमन भाई की, जो वो कहकर गए थे कि जस्टिस मिले, मैं बहुत छोटा हूँ, सुशांत सिंह राजपूत को भी जस्टिस नहीं मिला, तो यहाँ जस्टिस ज़रूर मिला है उनको, और जो भी इसमें आरोपी थे वो अरेस्ट हो चुके हैं। तो आप सबसे रिक्वेस्ट है इस टाइप का कोई भी गलत कदम ना उठाएं, और ये अंकल जी हैं, हम इन सब के बेटे हैं और हम सब इनके बेटे हैं, और जब भी आधी रात को भी ये कहेंगे हमें, तो हम इनके साथ खड़े हैं, हमेशा खड़े हैं, इनके सुख दुख में हमेशा खड़े रहेंगे। ऐसा नहीं है कि सिर्फ बोल दिया है और आज अपने नंबर बना के यहाँ से निकल गया, ऐसा बिल्कुल नहीं है। आप देख सकते हैं, और हमेशा मैं निभा के दिखाऊंगा, मैं हमेशा अंकल जी के साथ खड़ा रहूंगा हमेशा, और मैं इन्हीं राजा भैया भी साथ में खड़े हैं। राजा भैया आप भी थोड़ा सा बोलो। चलिए, राम राम जी। भाई जो भी हुआ बहुत ज़्यादा गलत हुआ, और जिस टाइम मैंने वीडियो देखी उस टाइम तो मतलब हिम्मत ही टूट गई, मतलब कि यार मतलब क्या हो रहा है इस देश में। जो है पहले वो सुशांत सिंह राजपूत के साथ जो हुआ, चलो उन्हें इंसाफ नहीं मिला क्योंकि उनके कोई प्रूफ या कोई ऐसी चीज़ें सामने नहीं आई। और जो ये हमारा मन भाई, चाहे कुछ भी हो जाए, सुशांत सिंह राजपूत का कोई वो नहीं था कि भाई उसके पास कोई प्रूफ नहीं मिला कि भाई किस तरीके से उसने आत्महत्या करी, क्या हुआ।